12 नवंबर 1958 को राम मनोहर लोहिया नेफा बॉर्डर पर जयरामपुर पहुंचे। वो एक ऐसी सरकारी नीति को चैलेंज देना चाहते थे जिसके अनुसार आदिवासियों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति नेफा में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह एक नीति थी जिसके चलते भारतीयों को नेफा में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था। लोहिया ने प्रयास किया लेकिन गार्ड्स ने उन्हें नहीं जाने दिया। लोहिया कहते रहे कि किसी भी भारतीय को भारत की भूमि में आने जाने की आजादी है। नेफा तब असम का हिस्सा था। प्रवेश न मिलने पर तत्कालीन गवर्नर ने लोहिया को कहा कि उन्हें परमिट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर से शिलोंग यानी कि तत्कालीन राजधानी आना होगा। उन दिनों लोहिया भारत में पंडित नेहरू के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर जाने जाते थे। इस घटना ने उनके नेहरू विरोध को और बल दिया और साथ में नेहरू की पसंद प्रसिद्ध मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन को भी लोहिया की आलोचना का शिकार बनना पड़ा। ऐसा नहीं कि आजाद भारत में एल्विन की आलोचनाएं नहीं होती थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय में कार्यरत विख्यात समाजशास्त्री जीएस घुरिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री डीएन मजूमदार और ब्रिटेन में पढ़ चुके समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास सभी वीरियर एल्विन के कार्य और तौर तरीकों की आलोचना विभिन्न मंचों पर करते रहते थे। आखिर ये वेरियर एल्विन कौन थे? वेरियर एल्विन इंग्लैंड में जन्मे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े एक एंग्लिकन प्रीस्ट थे जो 1927 में बतौर मिशनरी भारत आए। भारत आने से पूर्व वे महात्मा गांधी के जीवन के प्रति बड़े उत्सुक थे। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दमन और अत्याचार को देख उनके मन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक सम्मान की भावना जागृत हुई। वे जिस क्रिश्चियन आश्रम में आए थे उसका नाम था क्रिस्टा सेवा संघ। इस आश्रम में अधिकांश पादरी सन्यासियों सा जीवन जीते थे। इस आश्रम की जीवन शैली गांधी मूल्यों से मिलती जुलती थी। लेकिन जैसे जैसे एल्विन कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता बढ़ाने लगे, क्रिस्टा सेवा संघ के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। बात यहां तक पहुंच गई कि वे गांधी के कहने पर अपने मित्र श्यामराव हिवाले के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खुदाई खिदमतगार के समय जानकारियां एकत्रित करने निकल पड़े। ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया। एक प्रकार से वे भारत में उन ब्रिटिशर्स की श्रेणी में आ गए थे जिन पर सरकार की खुफिया दृष्टि सदैव रहती थी। 1930 के दशक में एल्विन गांधी के जीवन दर्शन को जीसस क्राइस्ट से जोड़कर देखते थे, इसलिए वे सदैव उन ईसाई मिशनरीज की आलोचना करते थे जो दलित व आदिवासियों को क्रिश्चियन कन्वर्ट बनाना चाहते थे। एल्विन की इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गांधी ने उन्हें एवी ठक्कर से मिलाया था। एवी ठक्कर उस समय आदिवासी सुधारों के लिए भारत में प्रसिद्ध थे। ठक्कर के संपर्क में आने के बाद एल्विन को पहली बार सेंट्रल इंडिया के आदिवासियों की जीवन शैलियों को देखने का मौका मिला। उन्होंने मन बना लिया था कि वे आदिवासियों के बीच में रहेंगे। कुछ ही समय में उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस में करंजिया नाम की जगह पर अपना एक आश्रम स्थापित कर दिया। बीच में एक बार जब वे अपनी माँ मिनी एल्विन और बहन एल्डिथ एल्विन को मिलने ब्रिटेन वापस गए तो ब्रिटिश सरकार ने उनके भारत आने के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। तब सिंध प्रांत के गवर्नर की संस्तुति पर उन्हें इस शर्त के साथ भारत आने की अनुमति मिली कि वे राष्ट्रीय आंदोलन व कांग्रेस से अपना नाता तोड़ देंगे। वेरियर उस मोड़ पर थे जहां दुविधा में थे कि जीवन गांधी को समर्पित कर दें या आदिवासियों को। वक्त की मांग को देखते हुए वेरियर ने आदिवासियों के साथ रहने का विकल्प चुना। वेरियर और उनके मित्र श्यामराव सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदरूनी आदिवासी इलाकों में प्रवेश करते रहे। करंजिया से शुरू हुआ उनका आश्रम स्वरछपुर पहुंचा और उसके बाद बैगा आदिवासियों के बीच। आदिवासियों के साथ समय बिताने के साथ साथ वेरियर एल्विन ने पाया कि आदिवासी जीवन आधुनिकता के संपर्क में आने से भ्रष्ट हो रहा है।
आदिवासी जीवन के रिचुअल्स अद्भुत हैं। 30 के दशक में वेरियर व शमराव ने अपना पूरा समय सेंट्रल प्रोविंसेस के आदिवासियों के साथ बिताया। आदिवासी जीवन की अनुभूति के बीच वेरियर ने पाया कि गांधी दर्शन के बहुत से मूल तत्व उनके जीवन से मेल नहीं खाते। जहां गांधी दर्शन में मदिरा निषेध है, वहीं आदिवासी महुआ को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। एक ओर वेरियर को आदिवासियों में सेक्सुअल लिबरेशन की भावना दिखती थी, वहीं गांधी दर्शन में सेलिबेसी एक जरूरी हिस्सा था। और फिर वेरियर के जीवन में वह समय आया जब उन्होंने गांधीयन मूल्यों को रिनाउंस कर दिया। एक एंग्लिकन प्रीस्ट पहले अपना प्रीस्टहुड रिनाउंस करता है और फिर एक गांधीयन अपना गांधीहुड रिनाउंस करता है। 1940 में वेरियर एल्विन ने एक गौंड लड़की कोसी से शादी की। कोसी और वेरियर ने अपने पुत्र का नाम पंडित नेहरू के नाम पर जवाहर रखा। 1950 आते आते वेरियर न केवल भारत बल्कि विश्व में एक मानव शास्त्री के तौर पर विख्यात हो चुके थे। आदिवासी जीवन पर उनके विशिष्ट अध्ययन द अगेरिया, द एब ओरिजिनल्स, फोक सॉन्ग ऑफ मेकाल हिल्स, फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़, द मुरिया एंड द घोटुल और अन्य कई पुस्तकें भारत के आदिवासियों को राष्ट्रीय व वैश्विक पटल पर ला चुकी थी। ब्रेनिस्लाव मलिनोवस्की, जो तब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे, उनके कार्य से भली भांति परिचित थे। पैसों के अभाव में वेरियर के शुरुआती पुस्तकों को छपवाने में जेआरडी टाटा और टेक्सटाइल उद्योगपति जहांगीर पटेल की मुख्य भूमिका रही। सेंट्रल प्रोविंसेस के बाद वेरियर ने उड़ीसा के आदिवासियों के जीवन पर विस्तृत अध्ययन किए। यहाँ उन्होंने ट्राइबल मिथ्स ऑफ उड़ीसा, द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब जैसे विशिष्ट अध्ययन किए। सन 1945 में जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो उन्हें डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया गया। उड़ीसा में निरंतर अध्ययन और फिर नई नौकरी के चलते वेरियर को बनारस और फिर कलकत्ता में बसना पड़ा। कुछ ही सालों में उन्होंने यह पद छोड़ दिया। इस बीच उनके और उनकी बीवी कोशी के बीच में तलखियां बढ़ गई और दशक के अंत आते आते दोनों के बीच तलाक हो गया। भारत आजाद हुआ, वेरियर के सामने असमंजस था कि वे इंग्लैंड वापस जाएं या फिर भारत में ही रहें। उनकी इस दुविधा के बीच कोलकाता में उनके फोटोग्राफर मित्र विक्टर ससून ने अफ्रीका का नाम भी सुझाया। वेरियर अफ्रीका भी गए लेकिन अंततः उन्हें भारत ही रास आया। कहते हैं कि वेरियर आजाद भारत में नागरिकता पाने वाले पहले ब्रिटिशर थे। उन्होंने उड़ीसा के आदिवासियों पर अपना काम जारी रखा। देश के आजाद होने पर देश की एकता भी रहे और विविधता भी रहे एक बड़ी चुनौती थी। जहां बहुत से लोग आदिवासियों को शहरी मिडिल क्लास की नज़रों से देखते और सोचते कि आदिवासी बहुत बैकवर्ड हैं, इन्हें अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, वहीं वेरियर मानते थे कि आदिवासी संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कई उन्नत है। इसलिए उन्हें चिंता थी कि नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासी अपनी विशिष्ट पहचान न खो दें। वेरियर आदिवासियों के शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे कि अंग्रेजों ने रोक दिया था, के समर्थक थे। साथ ही वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कानूनों के चलते वनों पर उनका अधिकार खत्म न हो। इन चिंताओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू समझते थे और उनके आदेश पर संयुक्त असम के गवर्नर ने उन्हें नेफा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना दिया। उन्हें उत्तर पूर्व की जनजातियों के संदर्भ में भारत सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया। उन दिनों नागालैंड आदिवासियों में अलगावों को अमेरिकी मिशनरी मैथ्यू स्कॉट की ओर से बल मिल रहा था, जिसे फिजो नाम के एक रेबल का सपोर्ट था। यह देखते हुए वेरियर उत्तर पूर्व के आदिवासियों का अध्ययन करने लगे। वे खुद को नेहरू के गॉस्पल का प्रचारक कहते थे। वे मानते थे कि किसी भी अलगाव को रोका जा सकता है यदि राज्य अपनी शर्तें आदिवासियों पर न थोपे। जीवन के अंतिम वर्षों में शिलांग वेरियर की कर्मभूमि बन गई थी। उन्हें सन 1961 में पद्म भूषण से नवाजा गया। उनकी आत्मकथा द ट्राइबल वर्ल्ड वेरियर एल्विन को सन 1965 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 22 फरवरी 1964 को हार्ट अटैक से दिल्ली में उनका निधन हो गया। एल्विन वो भारतीय थे जो गलती से इंग्लैंड में पैदा हो गए थे। एक शानदार लेखक, एक जानदार शख्सियत, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा कि वे भारत के आदिवासियों को राष्ट्रीय पटल पर लाए। एक बार किसी व्यक्ति ने एल्विन की भारतीयता पर प्रश्न किया तो संविधान सभा के एकमात्र आदिवासी मेंबर जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि वेरियर आपसे कई गुना ज्यादा भारतीय हैं और मुझसे कई गुना ज्यादा आदिवासी।
अगले पॉडकास्ट में हम किसी ऐसी ही रोचक पर्सनैलिटी या घटना को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।